टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे पी ओविल मलेरिया की, जिसमें हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, प्लास्मोडियम ओवेल के बारे में, इसके लक्षण, इसके प्रसार एवं भारत में संचरण, मलेरिया, प्लास्मोडियम का जीवन चक्र और इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल में मलेरिया के एक प्रकार प्लास्मोडियम ओवेल के लक्षणों की पहचान एक सैनिक में की गई है। प्लास्मोडियम ओवेल के बारे में समझते हैं। प्लास्मोडियम ओवेल मलेरिया परजीवियों के पांच प्रकारों में से एक है। इसके अलावा अन्य चार प्रकार इस प्रकार हैं: प्लास्मोडियम फालसीपेरम, प्लास्मोडियम वीवेक्स, इससे सामान्य प्लास्मोडियम मलेरिया और प्लास्मोडियम नोलेसी। इससे लगभग 20% परजीवी कोशिका की तरह अंडाकार होते हैं, इसीलिए इसे ओवेल कहा जाता है। ये परजीवी व्यक्ति की प्लीहा या यकृत में लंबे समय तक रह सकते हैं। अब समझते हैं इसके लक्षणों को। इसके लक्षणों में 48 घंटे तक बुखार, सिरदर्द तथा मतली की शिकायत शामिल है और शायद ही वे कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है। समझते हैं इसके प्रसार को। पी ओवेल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका का स्थानीय रोग है। अफ्रीका के बाहर इस रोग के लक्षणों का पाया जाना असामान्य घटना है। हालांकि ये रोग फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में भी पाया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में इसकी स्थिति अभी भी दुर्लभ मानी जाती है। भारत में इसके संचरण पर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अनुसार केरल में पाया गया ये पहला मामला है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसका कोई दूसरा मामला दर्ज नहीं हुआ है। इससे पहले गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा और दिल्ली में भी इसके मामले पाए जाने की पुष्टि की गई है। हालांकि इन सब में स्थानीय स्तर पर संचरण का मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये सब लोग किसी और स्थान से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2019 में भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में पाए गए कुल 1.57 लाख मलेरिया के मामलों में से 1.1 लाख मामले अर्थात 70% केवल फालसीपेरम मलेरिया के थे। हालिया विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले वर्ष 2000 के 20 मिलियन से घटकर 2019 में लगभग 5.6 मिलियन रह गए हैं। अब समझते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है। प्लास्मोडियम फालसीपेरम के कारण होने वाला मलेरिया सबसे गंभीर माना जाता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। समझते हैं प्लास्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। आरबीसी के टूटने से एक विषाक्त पदार्थ हेमोजोइन का निर्माण होता है, जो हर 3 से 4 दिन में ठंड लगने की शिकायत और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम मानव शरीर में स्पोरोजाइट्स अर्थात संक्रमण रोग के रूप में प्रवेश करता है। परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिसके फलस्वरूप आरबीसी टूटने लगती है। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे जाने से ये परजीवी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऐसे मच्छर के काटने से ये अन्य लोगों में फैलता है। परजीवी उनकी लाल ग्रंथियों में जमा होने वाले स्पोरोजाइट्स के निर्माण के लिए स्वयं में वृद्धि करते हैं। जब ये मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो स्पोरोजाइट्स उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं,
जिसके कारण ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है। अब समझते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्यों को। मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मेजबानों अर्थात मानव और मच्छर की आवश्यकता होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर रोगवाहक भी है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने आधिकारिक तौर पर केवल 4 बीमारियों HIV/AIDS, TB, मलेरिया और हिपेटाइटिस के संदर्भ में रोग विशिष्ट विश्व दिवस मनाता है। ऐसी क्लासेस के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।